क्या केवल मेहनत करने से सफलता मिलती है? आप में से हर कोई सफल इंसान बनना चाहता है, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। आप लोग कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है, क्योंकि हर एक LIC एजेंट, हर एक इंश्योरेंस एजेंट अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत को करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको समझ आएगा कि आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्या केवल मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो आज का ये टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज के ज़माने में हर कोई सफल इंसान बनना चाहता है, और सफलता पाने के लिए हम उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, बट जितनी मेहनत हम करते हैं उस हिसाब से हमें सफलता नहीं मिल पाती है, उस हिसाब से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। हर एक इंश्योरेंस एजेंट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने सफलता को पाने के लिए कोई भी लक्ष्य लेकर चलता है, जो उसका लक्ष्य होता है, लेकिन उस लक्ष्य को लेने के बावजूद और मेहनत करने के बावजूद जितनी मेहनत वो करते हैं उस हिसाब से उनको सफलता नहीं मिल पाती है। आज हर कोई इंसान सफल बनना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम में मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाती है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें आप सुनते हैं, आप देखते हैं कि भाई आपने सुना होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत करते जाओ सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर लाइफ में कोई मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहता है, कोई मनुष्य सक्सेस होना चाहता है, चाहे आप LIC एजेंट ही क्यों ना हो या फिर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आपको किसी दूसरे की देखा देखी में नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज कोई काम कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिली, उस काम को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं, उसमें सफलता नहीं मिली, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर तीसरा काम पकड़ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आप आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको लाइफ में बनना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आज दोस्तों मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और किस्सा स्वामी विवेकानंद के ऊपर आधारित है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी घूमने के लिए जा रहे थे। जब वो घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी पर उन्होंने देखा कि 5-7-10 बच्चे खड़े हैं वहाँ पर, और वो बच्चे बंदूक से नदी में एक अंडे का छिलका तैर रहा है, उस छिलके के ऊपर बंदूक से निशाना लगा रहे हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं, निशाना लगाते हैं, लेकिन उस अंडे के छिलके पर निशाना नहीं लगता है, निशाना मिस हो जाता है। फिर वो दोबारा प्रयास करते हैं, दोबारा फिर निशाना नहीं लग पाता है, और इसी तरीके से वो 10-15-20 बार प्रयास करते हैं बच्चे, और सभी बच्चों ने वो प्रयास किया लेकिन वो निशाना वहाँ पर अंडे के छिलके पर नहीं लगा पाए। स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर ठहरे, वो रुके, उन्होंने देखा, उन्होंने बच्चों से वो बंदूक ली, और बंदूक लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उस अंडे के छिलके पर निशाना लगाया, और जब उन्होंने अपना पहला निशाना शूट किया तो वो निशाना सीधे जाके अंडे के छिलके पर लगा। बच्चे हैरान रह गए कि भाई स्वामी जी ने पहली बार निशाना लगाया और वो निशाना बिल्कुल अंडे के छिलके पर जाकर लगा। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी हमें बताइए कि हम इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं और हमारा निशाना अंडे के छिलके पर नहीं लग रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई जब भी आप अपना कोई भी कार्य करते हैं तो अपने कार्य को करने के लिए अपना 100% उस काम में दें जिस काम को आप कर रहे हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आप निशाना तो लगा रहे हो लेकिन आपका ध्यान उस निशाने पर नहीं है, आपका ध्यान इधर उधर है, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। हमारे भारत की संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो अपना 100% उसको दें। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अपना 100% पढ़ाई में दें, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं। अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान क्रिकेट मैच में लगाएं। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो अपना 100% ध्यान उस टारगेट को अचीव करने में लगाएं। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो अपना 100% आप उस काम को करने में लगाएं। तो ये उन्होंने उन बच्चों को बताया, उन बच्चों को समझ आया, वो अपने घर को चले गए। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति जोर जोर से आकर रोने लगा। स्वामी जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर, स्वामी जी मैं कोई भी काम करता हूँ, जिस काम को मैं करता हूँ मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जी जान से रात दिन एक किया हुआ है काम को करने के लिए,
लेकिन फिर भी मैं वो काम को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उस टारगेट को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप रुकिए, आप परेशान मत होइए, आप एक काम करिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, आप ये जो मेरा कुत्ता है ना, इस कुत्ते को आप घुमाने के लिए लेके जाइए, और जब आप आएंगे मैं आपके प्रश्न का जवाब उस समय पर दूंगा। तो वो व्यक्ति स्वामी जी के कुत्ते को लेकर बाहर उसको घुमाने के लिए लेकर गया। कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर वापस आया तो वो कुत्ता बहुत पसीने में था, बहुत उसको सांस लेने में लंबे लंबे सांस ले रहा था, थका हुआ था बहुत, लेकिन वो व्यक्ति रिलैक्स फील कर रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई क्या हुआ, ये कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है और आप बिल्कुल थके हुए नहीं हो, आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो। तो उसने कहा कि स्वामी जी, इस कुत्ते को लेकर जब मैं जा रहा था मैं तो अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के पीछे भागा, भागने के बाद इसने उसको पीछे छोड़ दिया, फिर अगला कुत्ता मिला उसके पीछे ये भागा, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया। इसी तरीके से 5-6 कुत्ते इसको रास्ते में मिले और ये उन कुत्तों के पीछे भागा और भागने के बाद इसने उनको पीछे छोड़ दिया और ये फिर भागकर मेरे पास आ जाता था। तो स्वामी जी ने कहा, देखिए आपके प्रश्न का जवाब आपको खुद मिल गया है। इस कुत्ते का लक्ष्य था दूसरे कुत्तों को बीट करना, दूसरे कुत्तों को हराना, तो ये उसको हराकर आपके पास वापस आ गया, लेकिन आपका कोई लक्ष्य ही नहीं था, आप सीधे उसी रास्ते पर जा रहे थे। तो उस व्यक्ति को समझ आया। तो स्वामी जी ने कहा कि जब भी आप कोई वर्क करें, जब भी आप कोई काम करें, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जब तक आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हैं, आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद उन लोगों को सफलता नहीं मिलती है। उसका यही कारण है कि भाई उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। आज किसी रास्ते पर चल रहे हैं, कोई कल दूसरा कोई काम बताएगा तो उस रास्ते पर चले जाएंगे। तो कभी अपने लक्ष्य से ना भटकें, अपने लक्ष्य को लेकर चलें। और भाई आप लोगों के लिए तो मेहनत करना ज़रूरी है। जितने भी LIC एजेंट हैं मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस YouTube चैनल को। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अपना लक्ष्य ज़रूर लेके चलें। आप MDRT COT जरूर करेंगे अगर आप अपना लक्ष्य लेकर चलेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज से ही अपनी प्लानिंग बना लें तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में कोई भी काम करते हैं, लेकिन उस काम को 100% अपना कंसंट्रेट करें, उस काम के लिए 100% अपना दें उस काम के लिए, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हर एक संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं उस लाइव प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए।